करीब 1900 नए केस मिले हैं। दिल्ली में एक दिन में 24,000 कोरोना के नए मरीज सामने आए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर चिंता जताई और कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बेड बढ़ाने का भरोसा दिया। इस दौरान केजरीवाल ने ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी होने का भी दावा किया। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से बेड बढ़ाने की के लिए मदद भी मांगी। आज ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की और टॉसिलीजुमैब, इन तीनों की कमी नज़र आई। किसी भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की एक सीमाएं हैं। दिल्ली के अंदर भी सीमित बेड्स हैं, दिल्ली के अंदर भी सीमित आईसीयू के बेड्स हैं। जिस तेज़ी के साथ कोरोना बढ़ रहा है, जाहिर है कि एक सीमा के बाहर आके हर हेल्थ सिस्टम की एक सीमा होती है, तो बेड्स बहुत तेज़ी के साथ, जो ऑक्सीजन बेड्स हैं, जो आईसीयू बेड्स हैं, बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म होते जा रहे हैं। नवंबर के अंदर जब कोरोना आया था तो 4100 बेड केंद्र सरकार ने हमें मुहैया कराए थे, इस वक्त केवल 1800 बेड दिए हैं, जबकि ये वाली वेव पिछले वाली वेव से 3 गुना ज़्यादा घातक। अभी तक उसमें 8,500 केस पीक पे आए थे, हम 24,000 पे पहुंच चुके हैं। हमें केंद्र सरकार से हमेशा कोरोना की लड़ाई के दौरान मदद मिली है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इस बार भी केंद्र सरकार दिल्ली में हमें पूरी मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर के एक अस्पताल में आग लग गई। आग की वजह से 5 मरीजों की मौत हो गई। बताया गया कि आग राजधानी अस्पताल में लगी। इस अस्पताल में सामान्य मरीजों के अलावा एक अलग वार्ड में कोविड के मरीज भी भर्ती थे। जिस वक्त ये आग लगी, अस्पताल में करीब 50 मरीजों का इलाज चल रहा था। आग लगने के फौरन बाद मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया, लेकिन तब तक 5 मरीजों की मौत हो चुकी थी। इसमें कोविड पेशेंट का इलाज किया जा रहा था, तो उसमें मौके पे कुछ मृत्यु हुई है। पसेले अस्पताल प्रबंधन के द्वारा बताया गया था कि 4 लोगों की मृत्यु हुई है और एक जो महिला की मृत्यु है उसके आग लगने से पहले हुई थी। अभी बताया जा रहा है कि उसकी मृत्यु भी आग लगने और उसके बाद के कारणों के कारण हुई है, तो उसको वेरीफाई हम अभी कर रहे हैं और आगे की हमारी जाँच की जा रही है। जाँच के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।